अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फिज़िक्स एंजाइटी। एंड आज का हमारा टॉपिक पी-एन जंक्शन के हवाले से। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पी-एन जंक्शन के बारे में बात की, वर्किंग किस तरह से होती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और इसका सिंबल किस तरह से बनाया जाता है, इन सब के बारे में डिटेल में बात कर ली। तो आज हम बात करेंगे बायसिंग ऑफ पी-एन जंक्शन के बारे में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफस्टाइल के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी जो मेरे टीचर ने मेरे साथ शेयर की थी। तो आई होप कि आपके लिए वो हेल्पफुल रहा है क्योंकि वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो बात कर लेते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, क्योंकि वो हम सब जानते हैं कि वो नॉन मुस्लिम था। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन एक नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट थे और वो अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो अमल करते थे, कुछ ऐसी बातों पे अमल करते थे जो इस्लाम से रिलेटेड हैं। है ना, थोड़ी हैरत की बात कि हम मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पे अमल पैरा नहीं हो पाते। लेकिन कुछ नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट जो अक्सर और बेशतर हम देखने को मिलता है कि वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी चीज़ों को अमल कर रहे होते हैं, चाहे उनका तरीका और उनके जो नज़रिया है वो डिफरेंट है, लेकिन अमल वो हमारी कुरान और सुन्नत पे कर रहे होते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इसी तरह एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करता था, जिसकी वजह से शायद उसे इतनी पजीराई मिली और उसके जो माइंड लेवल है वो अलग किस्म का था। उसमें हमारे जैसे, हमें पता है एज अ मुस्लिम, जो हमारे कुरान का सबसे पहला वर्स है, मतलब कि सबसे पहली आयत जो है वो इक़रा है। ठीक है, पढ़ो। इसमें हमारे पास जो वर्ड आता है अल्लामा बिल कलम, ठीक है, इल्म हासिल करो कलम से। ठीक है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे समझने के पल्लू के साथ बांध लिया था। उस एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताया जाता है कि वो जब भी उन्हें देखा जाता था वो कुछ ना कुछ लिख रहे होते थे, और एक तहकीक के मुताबिक पता चला है कि वो तकरीबन एक दिन में 300 से ज़्यादा पेजेस लिखा करते थे और इससे ज़्यादा वो रीड करते थे। तो देखिए, ये हमारे जो अल्लाह ताला ने हमें सबसे पहली आयत नाजिल की कि पढ़ो, तो उसका कितना असर है रियल लाइफ में अगर हम देखें, मुशाहिदा करें, तो वाकई वो पहली आयत ही सब कुछ है हमारे लिए, कि अगर हम उस पर अमल कर लें तो हमें दुनिया में ये जो इस्लाम मुसलमान है, वो मुसलमान साइंटिस्ट हैं वो पीछे हैं कुछ दूसरी मामलात में भी, और कुछ इसलिए कि हमने अपने इस्लाम को एक साइड पे कर दिया और सिर्फ दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। तो हमें अल्लामा बिल कलम करना चाहिए, यानी कि लिखना और पढ़ना, ये दो चीज़ जो है हमारे माइंड के जो IQ लेवल होता है उसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन को पढ़ने और लिखने का काफ़ी शौक़ था। वो हमेशा एक डायरी और पेन के साथ ही नज़र आते थे, जहाँ भी उन्हें देखा गया उन्हें डायरी और पेन के साथ देखा गया। वो बहुत ज़्यादा लिखने और पढ़ने के आदी थे, शौकीन थे। वो कुछ भी बैनर, कुछ भी चीज़ों को पढ़ते रहते थे, रीड करते रहते थे और अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिखते रहा करते थे। तो इन दो चीज़ों का कमाल आप देख सकते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ आज तक हम उनके बारे में, उनके लॉज के बारे में बात करते हैं और पढ़ते हैं, और कुछ साइंटिस्ट उनके लॉज में अभी तक स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने इन बुक्स को पढ़ने से पहले इस्लाम को अच्छी तरह से पढ़ें, उसका मुताला करें, तो हमें बाकी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ठीक है, तो अब वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और हम अपने लेक्चर में बायसिंग ऑफ पी-एन जंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो बायसिंग क्या होती है? बेसिकली बायसिंग हमारे पास व्हेन पोटेंशियल अप्लाई टू अ पी-एन जंक्शन टू ऑब्टेन अ डिज़ायर मोड ऑफ ऑपरेशन। जब हम अपने पी-एन जंक्शन में वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं, ठीक है, हम अगर कोई पी-एन जंक्शन है, ठीक है, तो हम उसमें अगर वोल्टेजेस अप्लाई कर दें, पी-एन जंक्शन हमारे पास, उसमें हमने वोल्टेजेस अप्लाई कर दिए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बायसिंग। एक बेसिक डेफिनेशन पे आप ये कह सकते हैं कि पी-एन जंक्शन जो है वो वोल्टेज अप्लाई करने का नाम है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं जो आमतौर पे BS लेवल पे लिखी जाती है। तो वो बेसिकली होती है कुछ यूँ है कि बायस इज़ अ पोटेंशियल टू अ पी-एन जंक्शन। पोटेंशियल वोल्टेज को कहते हैं, आई होप आपको पता होगा। to obtain desired mode of operation इसकी वजह क्या होती है दिस पोटेंशियल इज यूज्ड to control the width of depletion layer. ठीक है Biasing is a potential to a P-N junction. To obtain desired mode of operation, this potential is used to control the width of depletion layer. तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सारा काम जो पीएन जंक्शन में होता है इस डिप्लेशन लेयर का होता है. ठीक है ये डिप्लेशन लेयर आपने प्रीवियस लेक्चर मेरा देखा होगा तो आपको पता होगी कि डिप्लेशन लेयर किसे कहते हैं. जब ये पीएन जंक्शन हम क्रिस्टल्स पीएन जंक्शन के एक साथ ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक डिप्लेशन लेयर फॉर्म होती है जो आइंस की फॉर्म में होती है. पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन उनके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है जिसे हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं. ठीक है डिप्लेशन लेयर बेसिकली एक लेयर का काम करती है और एक पुल का काम करती है. उसका एक बैरियर पोटेंशियल होता है जिसे क्रॉस किए बगैर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी तरफ फ्लो नहीं कर सकते. ठीक है बात समझ आ गई. अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ बायसिंग की कितनी तरह की टाइप्स होती हैं. तो बेसिकली हमारे पास टाइप जो है वो दो तरह की होती हैं. ठीक है हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं. कौन कौन सी एक हमारे पास आ जाती है फॉरवर्ड बायस. पीएन जंक्शन को हम एक फॉरवर्ड बायसिंग के तौर पे यूज़ करते हैं और एक आ जाता है हमारे पास रिवर्स बायस. नाम से ही कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं. फॉरवर्ड बायस क्या होता है और रिवर्स बायस क्या होता है. इस लेक्चर में हम फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में बात करेंगे. आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम रिवर्स बायस के बारे में बात करेंगे. ठीक है तो फॉरवर्ड बायस बेसिकली जब हम मैं आपको इसकी पिक्चर फॉर्म दिखा देती हूँ लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फॉरवर्ड बायस बेसिकली किस तरह का होता है और किस तरह से फॉर्म होता है. तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है अ पोटेंशियल यूज टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन. जब हम किसी में इस तरह से वोल्टेज अप्लाई करें पोटेंशियल अप्लाई करें कि उसके पीएन जंक्शन का रेजिस्टर कम हो. मतलब कि रेजिस्टर कम होने की वजह से का मतलब क्या है अगर हम कह रहे हैं कि पीएन जंक्शन का रेजिस्टर कम हो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो. रेजिस्टेंस की वैल्यू का मतलब है डिप्लेशन लेयर कम हो विड्थ कम हो उसकी. ठीक है जो हमारे पास उसकी विड्थ जो है वो बहुत वाइडर है तो उसको हम कम करने के लिए हम यह पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं इस तरह से कर रहे हैं कि उसकी डिप्लेशन लेयर कम हो ना कि बढ़े. ठीक है तो उसकी डिप्लेशन लेयर को कम करने के लिए क्योंकि हमें अपने करंट को फ्लो करवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह उस डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा. उस डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करने के लिए उस डिप्लेशन लेयर को ख़त्म करना पड़ेगा या उस पे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को कि वो उस डिप्लेशन लेयर को ख़त्म कर सके. ठीक है तो उसके लिए जो हम बायसिंग करते हैं वो करते हैं हम फॉरवर्ड बायसिंग. तो फॉरवर्ड बायसिंग की बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी. मैं आपको दो डेफिनेशन इसकी दोनों लिख के बता देती हूँ. तो एक डेफिनेशन हमने पढ़ ली अ पोटेंशियल यूज टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन. सेकेंड है हमारे पास पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस व्हेन द अप्लाइड पोटेंशियल कॉज द एन टाइप मटेरियल टू बी मोर नेगेटिव देन द पी टाइप मटेरियल. ये चीज़ आपको जब मैं आपको डायग्राम की फॉर्म पे समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी. ये अभी सर के ऊपर से जारी होगी यकीनन. तो बात कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा. अभी हमने पढ़ ली बायसिंग. ठीक है कि बायसिंग क्या होती है. बायसिंग बेसिकली हमने कहा कि हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं किस पे पीएन जंक्शन पे. जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उसकी वजह से जो भी हमारे पास इफ़ेक्ट नज़र आता है उसे हम बायसिंग कहते हैं. बायसिंग हम बस वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसे हम बायसिंग कहेंगे. ठीक है और उसके बाद हमने पढ़ा कि टाइप्स कितनी होती हैं। टाइप्स दो तरह की होती हैं बायसिंग की, याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा मेन है। ये दोनों टाइप्स ही बहुत ज़्यादा काम आती हैं और हमारे डिवाइसेस को किस तरह से करंट फ्लो करवाना है, इसकी वजह से सिर्फ इन दो जो हमारी बायसिंग है इसी वजह से मुमकिन हो पाता है। ठीक है, अरे भाई ये तो डेफिनेशन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पोटेंशियल कॉज द एन टाइप मटेरियल टू बी मोर नेगेटिव देन द पी टाइप मटेरियल। ठीक है जी, तो पीएन जंक्शन की एक डेफिनेशन ये हो गई हमारे पास। दूसरी जो मैंने आपको बताई थी वो भी लिख देती हूँ ताकि आपके काम आ सके। ठीक है, अगर आपने ठीक तरह से नहीं सुना था तो, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी अच्छे से हम वर्ड्स को कैप्चर नहीं कर पाते उतने अच्छे से हम रीड करके कैप्चर कर लेते हैं, तो अपने माइंड में कैप्चर कर लें अच्छे से ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सकें, क्योंकि सारा खेल यहाँ सिर्फ मार्क्स के लिए है। चलिए जी, तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन हो गई अ पोटेंशियल यूज टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन। तो अब बात कर लेते हैं वर्किंग के बारे में। वर्किंग प्रिंसिपल इसका किस तरह से होता है देख लेते हैं। कि अगर अब हमने क्या किया कि हमने ये हमारा जो है पूरा पीएन जंक्शन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारे पास पीएन जंक्शन आ गया, इसके साथ हमने अप्लाई कर दिया वोल्टेज को। जब हमने वोल्टेजेस को अप्लाई किया तो होगा क्या, ये देखिए बेसिकली ये है पी रीजन, ये है हमारे पास एन रीजन, ये हमारे पास आ गया डिप्लेशन लेयर। ठीक है, डिप्लेशन लेयर में हमारे पास नेगेटिव आइंस पॉजिटिव आइंस नज़र आ रहे हैं और इनकी इंटरनल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है जो पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ठीक है, हमारे पास एक पीएन जंक्शन का स्ट्रक्चर है। आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ हमारे पास पी रीजन है, ये हमारे पास एन रीजन को शो कर रहा है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हमारे पास डिप्लेशन लेयर है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइंस हैं और ये पॉजिटिव आइंस। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये पीएन जंक्शन का स्ट्रक्चर है। यहाँ से हमने अब किया वोल्टेजेस को अप्लाई। जब हमने वोल्टेजेस को अप्लाई किया इस तरह से कि ये आप देख सकते हैं कि मैंने वोल्टेजेस को अप्लाई किया, पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो पी से जो है मैंने ज्वाइन किया हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो मैंने एन टाइप से ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, जब मैं नेगेटिव दे रही हूँ अपने एन रीजन को और पॉजिटिव दे रही हूँ पी रीजन में, तो अंदर किस तरह से ये जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसे देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे या नहीं करेंगे इसे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू होना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरह से, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस तरह से जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैंने बैटरी से वोल्टेजेस प्रोवाइड किए, पोटेंशियल प्रोवाइड किए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपको मूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं तो ये मूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही है। तो ये क्या है, सेम चार्जेस है हमारे पास। तो सेम चार्जेस क्या करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये हमारे पास जो सेम चार्जेस हैं ये हमारे पास एन टाइप से कनेक्ट हो रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, सेम चार्जेस हैं ये रिपेल करेंगे और ये अंदर इसके दाखिल होंगे। अब ये जब रिपेल करेंगे तो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी और एनर्जी भी साथ साथ जो है इंक्रीज़ होते जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने ऊपर से एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम वोल्टेजेस प्रोवाइड करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन उतने ही जो है इस डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। अब क्या होगा कि यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ से हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव यहाँ से अटैच है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव साइड और ये होल्स ये भी आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये पॉजिटिव जो है ये पॉजिटिव के साथ बैटरी अटैच है। तो क्या होगा, यहाँ से करंट का फ्लो होता है बेसिकली। तो हमारे पास यहाँ से जो ये होल्स होंगे इन्हें पुश करेगी इस साइड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पुश हो रहे हैं इस साइड और इस तरफ से होल पुश हो रहे हैं इस साइड। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ से होल्स की एनर्जी बढ़ रही है। तो बेसिकली क्या होगा, ये करते 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 ये डिप्लेशन लेयर को कम करते जाएंगे। बात समझ आ रही है, बात बहुत सिंपल सी है, समझने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सेम चार्जेस है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने पे क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ को फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। जब इस तरफ को फ्लो होना शुरू होंगे, यहाँ से होल्स इस तरफ फ्लो हो रहे हैं, तो ये जो डिप्लेशन लेयर थी अब यहाँ से आपके ऊपर जो है दबाव है, यहाँ से आपके ऊपर दबाव है, तो ये क्या हो गया, इस तरह से डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगी, बढ़ने के बजाय ये कम हो रही है ना। ठीक है, तो डिप्लेशन लेयर हमारे पास इस तरह से फॉर्म थी। यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है तेज़ी से इंटर हो रहे हैं और इंट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, उसके बाद इस जगह पे जो है पुश कर रहे हैं इस जगह को। जब इस जगह को पुश कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है कि डिप्लेशन लेयर आहिस्ता 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 कम हो रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए कब तक कम होगी, ठीक है, और कब ख़त्म हो जाएगी इस पर देख लेते हैं। मैक्सिमम 0.6 के बाद ये डिप्लेशन लेयर इतनी कम हो जाती है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लग जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहाँ से इस जगह पे जाना शुरू हो जाते हैं। इस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। उसके बाद होता क्या है बेसिकली कि यहाँ इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव होल पे आएगा, इस नेगेटिव होल पे आया, फिर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा दूसरे नेगेटिव होल, दूसरे होल्स पे, ठीक है, इसे फिल करेगा। उसके बाद यही इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ये इलेक्ट्रॉन गया इस तरफ। अब इसके जो एक्चुअल पॉइंट है वो ये है, ठीक है, ध्यान रहे इस बात पे, क्योंकि ये वाइवा में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और रीजनिंग क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं कभी बार। तो यहाँ मेरे पास ये यहाँ से जो जंप करके इस डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स आए वो अब क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ से एक होल को फिल किया, उसके बाद इस होल से जंप करेंगे दूसरे होल पे, दूसरे होल से जंप करेंगे तीसरे होल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो रुक रहे नहीं है ना यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन मजीद एनर्जी उन्हें मिलते जा रही है वोल्टेज की फॉर्म में। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूसरे होल पर जाएगा, दूसरे से तीसरे पर जाएगा। तो हो क्या रहा है, बुक्स में कहीं कहीं पे किसी किसी जगह पे इस तरह से लिखा होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं लेफ़्ट साइड पे और होल्स मूव कर रहे हैं राइट साइड पे। बात समझ आ रही है? देखो, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन ये लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, हमारे इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है बेसिकली जो हमारे होल्स हैं, पहले क्या था ये, इसको बहुत अच्छे से समझना है आपने, ठीक है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना कि पहले हमारे पास ये होल्स थे, यहाँ मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब यहाँ मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसे फिल किया, तो क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ होल आ जाएगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है और होल राइट साइड पे मूव कर रहा है। बात समझ आई? तो इसी तरह से ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे आगे, होल इस तरफ राइट साइड को जाते जाएंगे। तो ये चीज़ें बुक्स में लिखी हुई होती हैं इसी फॉर्म में कि जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं लेफ़्ट साइड पे और होल्स मूव कर रहे हैं राइट साइड पे। बेसिकली होल्स मूव नहीं करते, होल्स इस तरह से दिखाई पड़ रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वजह से होल्स ऐसा लगता है कि इस तरफ पे फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो है हमारे पास करंट जनरेट होता है। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरह से होते 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 अब डिप्लेशन लेयर ख़त्म हो गई। डिप्लेशन लेयर बिल्कुल ख़त्म हो गई। कब ख़त्म हो गई? बिल्कुल ख़त्म 0.7 तक, 0.55 तक जो है डिप्लेशन लेयर इतनी ख़त्म हो जाती है कि हमारे पास करंट का फ्लो नज़र आने लग जाता है। उसके बाद हमारे पास, ये मैं सिलिकॉन के बारे में बता रही हूँ, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और 0.7 में बिल्कुल हमारी डिप्लेशन लेयर ख़त्म हो जाती है। मतलब कि ये जो आपको नज़र आ रही है, ये सारे आयंस ख़त्म हो जाते हैं, ये डिप्लेशन लेयर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से और लीनियरली इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हम वोल्टेजेस बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, हमारे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, क्योंकि अब जो भी हम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारा का सारा करंट को फ्लो करवाने में काम आ रहा है। अब कोई ऐसी बैरियर नहीं है जिसको क्रॉस करने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करने, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़े। अब बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ है, उन्हें बस क्या करना है, यहाँ से निकलना है और ये सर्किट को कंप्लीट करना है। तो सर्किट कंप्लीट होता है जब भी हमारा करंट फ्लो हो सकता है। पहले इस बैरियर की वजह से, हमारे पास इस लेयर की वजह से हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ये कंप्लीट बिल्कुल हो चुका है। डिप्लेशन लेयर जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो बासानी पूरे सर्किट में फ़्लो करेगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा हमारे सर्किट में। ठीक है, तो आई होप आपको वर्किंग बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई हो। मैंने पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर इसमें से कोई चीज़ समझना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। अब बात कर लेते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ये हम VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। इस हमारे पास जो ये ग्राफ बनता है इसे हम VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। ठीक है, ये कर्व बेसिकली क्या होता है कि जब हम इसे वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं तो इस पर करंट का फ्लो देखते हैं, करंट का फ्लो बेसिकली बन किस तरह का रहा है। तो शुरू में ये आप देख रहे हैं ये लीनियरली नहीं बन रहा। इसमें क्या हो रहा है कि हम वोल्टेजेस अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मैंने 0 से 0.2 अप्लाई किया। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाते हैं। पी एन जंक्शन में याद रखिए ये बात कि एकदम से वोल्टेजेस प्रोवाइड नहीं करते, फिर हमें पता नहीं चलता कि इसका बैरियर पोटेंशियल एक्चुअली में है कितना। ठीक है, तो हम जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं अपने लैब में तो हम उसमें 0.0, 0.01, 0.02 इस तरह से भी दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इतना इतना करके हम बढ़ा रहे होते हैं। अब मैंने 0 से 0.2 दिया, मैंने देखा कि करंट का फ्लो नहीं हो रहा अभी, इसका मतलब है कि लेयर अभी ख़त्म नहीं हुई। ये जो जितना भी मैं वोल्टेज प्रोवाइड करी ये सब किस में किस चीज़ पर वेस्ट हो जा रहा है, ये डिप्लेशन लेयर को ख़त्म करने में वेस्ट हो रहा है। ठीक है, ये एनर्जी जो भी हम दे रहे हैं वोल्टेज के फॉर्म में, ये सारे इलेक्ट्रॉन उतने एनर्जाइज होने की कोशिश कर रहे हैं कि डिप्लेशन लेयर को ख़त्म कर दें। फिर मैंने 0.4 दिया, 0.4 में भी कोई वर्किंग नज़र नहीं है। अब 0.6 के बाद आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये इलेक्ट्रॉन जो है ना हमारे करंट का फ्लो नज़र आ रहा है हमें कि ये जो लाइन है ये ऊपर की तरफ जो है मूव होना शुरू हो रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये करंट भी आ रहा है, मतलब करंट समथिंग समथिंग यहाँ बहुत कम आ रहा है लेकिन आ रहा है 0.02 में इस तरह से। लेकिन अब यहाँ मेरे पास 7 के बाद क्या हुआ कि ये अब लीनियरली उसके बाद जो है इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि अब जैसे जैसे मैं वोल्टेजेस बढ़ाऊँगी मेरे पास करंट बढ़ेगा। जैसे कि 0.8 में मेरे पास वोल्टेजेस 5 है, उसके बाद 0.10 पे मेरे पास वोल्टेजेस 15 आ गए, 0.12 पे मेरे पास 25 आ गए। तो अब मैं हल्का सा वोल्टेज बढ़ाऊँगी, मेरे पास करंट की तादाद जो है बहुत ग्रेटर अमाउंट में बढ़ेगी। ठीक है, तो अब ये बेनिफिट है हमारे पास, जैसे ही हम जो है ये बैरियर पोटेंशियल ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डिप्लेशन लेयर ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास करंट का फ्लो होता है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये लीनियरली देखने को मिलता है कि थोड़ा सा वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे और करंट का जो फ्लो है वो काफ़ी हद तक बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया वी आई कैरेक्टरिस्टिक। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है बल्क रेजिस्टेंस। ये शेयर करने की वजह यह है कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो है, मैं जब वाइवा दे रही थी तो मुझे यही नहीं पता था कि बल्क रेजिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि मैंने काफ़ी बुक्स को रीड किया था लेकिन कहीं भी बल्क रेजिस्टेंस के बारे में मुझे कुछ नहीं मिला था और इसकी वजह से मेरे मार्क्स बुरे आ गए थे। तो बल्क रेजिस्टेंस एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और टीचर ने कर लिया एकदम से बल्क रेजिस्टेंस, तो पता ही नहीं था कि क्या होता है बल्क रेजिस्टेंस। और यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज़ देख कर गई थी, किसी में भी बताया नहीं गया था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। बेसिकली बल्क रेजिस्टेंस होती है वो कंबाइंड रेजिस्टेंस होती है। कंबाइंड रेजिस्टेंस किस किस चीज़ की? एन टाइप की, पी टाइप की, इन दोनों की जब हम कंबाइंड रेजिस्टेंस देखते हैं कि कितनी रेजिस्टेंस है जिसके बिना पर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना है, तो उसे हम बल्क रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसे हम आर बी से डिनोट करते हैं। ये आपको फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा, RB = RP। ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस का रेजिस्टेंस है और ये पी टाइप का रेजिस्टेंस है और जो है ये हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है आपको। इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास बल्क रेजिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, तो ये बल्क रेजिस्टेंस बेसिकली ही काम करता है, इस बल्क रेजिस्टेंस की ही सारा काम होता है कि डिप्लेशन लेयर और ये सारी चीज़ें इस बल्क रेजिस्टेंस में आ जाती है। ठीक है, रेजिस्टेंस की ही वजह से हमारा करंट फ्लो नहीं होता है। ये जो हमारे पास डिप्लेशन लेयर है किस चीज़ का काम कर रही है? रेजिस्टेंस का। तो अब आई होप कि आपको वो जो है मैंने आपको जो डेफिनेशन पढ़ाई थी वो समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो रिड्यूस करने के लिए, किस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए? रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए। किसकी रेजिस्टेंस को? ये हमारे पास डिप्लेशन लेयर की रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस क्या होती है? बेसिकली रुकावट होती है कि हम किसी के रास्ते में एक रुकावट डाल दें। ठीक है, अब करंट का एक रास्ता था, उसमें हमने रुकावट डाल दी डिप्लेशन लेयर को। अब जैसे ही हमने डिप्लेशन लेयर की रुकावट डाली तो हुआ क्या कि वो करंट फ्लो होना बंद हो गया। तो इस रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए हमने सारा काम किया था, जो हमने एंड में देखा कि रेजिस्टेंस ख़त्म हो गई, उसके बाद करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, और ये वाली डेफिनेशन मैं आपको अब समझा देती हूँ। इसमें कहा क्या गया है कि फॉरवर्ड बायसिंग इस तरह से होती है कि हम जब पोटेंशियल अप्लाई करते हैं एन टाइप को मोर नेगेटिव बनाते हैं। मोर नेगेटिव का मतलब क्या है कि पहले ये नेगेटिव था, ठीक है, ये एन टाइप है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, अब इसमें और इलेक्ट्रॉन भेज दिए तो इसका मतलब है कि मोर नेगेटिव हो गया। मोर नेगेटिव हो गया मतलब कि और एनर्जेटिक हो गया। एनर्जेटिक होने की वजह से इसने डिप्लेशन लेयर को क्रॉस किया, डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करने के बाद इसने होल को क्रॉस किया, होल को क्रॉस करने के बाद इसने पूरा सर्किट कंप्लीट किया। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको वीडियो पूरी समझ आ गई होगी। इसमें से अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवर्स बायस के बारे में। अगर आपको उस लेक्चर में इंटरेस्टेड है तो ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक थम्स अप देना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।